वाइज गुड मॉर्निंग, चाय आती हाथ में तब वहाँ खुलती है, तब लगता है हाँ गुड मॉर्निंग है। मैं अभी हूँ आगरा में और आज का प्लान था सुबह जल्दी उठ के हमें 6:30 बजे निकलना था ताजमहल देखने के लिए, ताकि हम वहाँ पर टाइम पे पहुँच जाए। ज़्यादा दूर नहीं है, होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, लगभग 800-900 मीटर ही है। होटल वाले बता रहे थे कि सुबह सुबह ना नज़र अलग ही होगी, सब तगड़े होंगे, देखने में मज़ा आएगा आपको, तो मॉर्निंग वाले में जाओ ताकि भीड़ भी वहाँ पर कम होगी, रश भी कम होगा वहाँ पर, तो आपको मज़ा आएगा घूमने में। ट्रैफिक के अंदर इतना लेट हो गया, मैं होटल पहुँचा हूँ 9:30 बजे, उसके बाद वीडियो एडिट किया, अपलोड किया, तो रात के 2 बजे तो मैं सोया हूँ, बट अभी भी वीडियो अपलोड हुआ नहीं है। पता नहीं क्या हो गया था, नेट वेट का क्या दिक्कत आ गया था इसका, बट अभी भी आपका देखो अब वीडियो अपलोड हो गया है कम्प्लीट, तो अभी आप जाके देख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि पहने इसको लोड कर देते हैं, ताकि बाद में सिर्फ आएंगे और गियर्स पहने निकल लेंगे। गाड़ी ले जाने का ये बोल रहे, गाड़ी ले जा सकते हो, बट यहाँ से 150 मीटर पे ही पार्किंग लगी हुई है, तो यहाँ से उठो और 150 मीटर पे ले जाके पार्किंग में रखूँ, उसका कोई सेंस बन नहीं रहा। आगे वैसे भी ऑटो में जाना पड़ेगा या पैदल, बट गर्मी इतनी तेज है तो पैदल जाने का मन नहीं कर रहा। चलो चलते हैं, एक बार ताजमहल घूम के आते हैं। हालांकि ये बोल रहे या तो मॉर्निंग के टाइम में जाना चाहिए या शाम को जाना चाहिए, बट मॉर्निंग में हम उठ नहीं पाए और शाम को हम चले जाएंगे मथुरा, तो दोनों काम वैसे भी नहीं होगा। 10 रुपये दे देना छोड़ा है। ये तो पार्किंग इधर पास में ही है, यहाँ से 1 किलोमीटर है ताजमहल, और अभी अंदर से जाने देंगे नहीं, क्योंकि रिक्शा वगैरह बताते हैं क्या चलता था, घोड़े गाड़ी की सवारी का भी आनंद ले लिया जाए। बट ये सीधा तो पैदल जाते 1 किलोमीटर बता रहा था, बट घोड़े गाड़ी वाले थोड़े से घुमा के लेके आ रहे हैं, 100 रुपये चार्ज ले रहे हैं, बट ठीक है थोड़ा। अरे ये भाई ये थोड़ा इसका भी आनंद लिया जाए। आज ये बता रहे कि वहाँ से कोई VIP आ रहा है, इसलिए कह रहे दूसरे वाले रास्ते से लेके जा रहे हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। टांगे वाले ने उतार दिया, बता रहे बस थोड़ा सा सामने चलना, 5 मिनट का और सफ़र है। यहाँ गाइड भी बहुत सारे मिल जाते हैं, बट ये बोल रहे हैं काफ़ी लोग कि आपको कैमरा अंदर नहीं ले जाने देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, पैसा देके तो ले जाने देंगे, उसमें भी नहीं ले जाने देंगे तो ठीक है, खोल के हाथ में रख लेंगे, और क्या कर सकते बताओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ये ठीक है ना, इसी में चलेंगे, 20 रुपये का टिकट है, टिकट्स ले लिए, 50 रुपये का एंट्री फीस है। वो एक अंदर के लिए भी बोल रहे हैं कि अंदर भी आप जाके आ सकते हो, बट अंदर अभी आगे मैं निकलना, सिर्फ अंदर तक हम नहीं जाएंगे, ले जाने तो नहीं देंगे बट जमा करा देंगे यहीं पे, अलग लॉकर रूम बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़ोन से कर देंगे। ये बोल रहे कैमरा ले जा सकते हो ना, माइक नहीं ले जा सकते, ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते, सिक्योरिटी पूरा टाइट, कैमरा तो अलाउड किया उन्होंने GoPro को, बट वो ट्राइपॉड और माइक सारे अंदर रख दिया, तो अभी मैं फ़ोन से ही ब्लॉक करूँगा। बच्चों को देख हमारे स्कूल की याद आ जाती है। नहीं एक्चुअली जो ताजमहल की तो खूबसूरती है, उसके साथ साथ जो खूबसूरती है ना, जो जिस हिसाब से लोकेशन बना रखी है ना, उसकी ज़्यादा आ रही है, मज़ेदार है ना। काफ़ी टाइम से सोचा था आने का, एकदम से ही प्लान बन गया, हम अंदर नहीं जाएंगे, यहीं से घूम फिर के फिर वापस चले जाएंगे। तो से 250 रुपये समथिंग चार्ज है, और अंदर वो उनका वो मकबरा बना हुआ है, एक्चुअली में घूमने गए था, घूम लिया, देखना था ताजमहल, बस वो देख गए, वो फोटो होती ना ऐसे ताजमहल वाली, वो क्लिक करनी थी, कर दी बस। बहुत गर्मी है यार, बहुत भयंकर वाली, 2:15 हो रहा है, जितना फोटो वीडियो लेना था ले लिया, अब ऑलमोस्ट चलते हैं, क्या करेंगे, आगे अंदर जाने का मन है नहीं। 2 टिकट होते हैं, तो पहले वाला जो टिकट 50 रुपये का है, वो बस आप यहीं पे घूम सकते हो नीचे नीचे, दूसरा जो साइड 250 रुपये लेते हैं, हमने पूछा नहीं था बट सुना था 250 रुपये का, वो अंदर जाने देते हैं मकबरा तक, बट हम अंदर नहीं जा रहे, हम यहीं घूम के हो गए, काफ़ी फ़ोटो वीडियो घंटा भर हो गया हमें आए हुए, तो अभी हम चलते हैं वापस, इधर से आए थे वापस इधर से घूम के उधर चल लेंगे, ताकि ये भी हम देख लेंगे। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, यहाँ आने का सबसे जो बेस्ट टाइम है ना, वो है सनराइज़ का टाइम और दूसरा सनसेट का टाइम,
उस टाइम आपको फोटोग्राफी करने में मज़ा आएगा। एक्चुअली हम सनसेट में आ जाते बट पंगा ये है कि हमें आगे निकलना है। इसका पत्थर अभी भी देखो कितना साइन कर रहा है। अब यार चलते हैं यार, एक्चुअली सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, कुछ खाया पिया भी नहीं है, अब इसी तरह चलते हैं। और धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया था मेरे ख्याल से, इसके ऊपर आ रही है ना वाइट है संगमरमर का, तो रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा है, सूरज भी जरा सामने है ना, है तो बड़ा खूबसूरत। यहाँ कुछ थोड़ी देर बैठते हैं, यहाँ पर हो गए फोटो वीडियो, फोटो वीडियो अब चलते हैं बस। इस गेट से हम एग्जिट हो रहे थे, जिस गेट से आए थे उसी गेट से वापस जा रहे हैं। आगे अपना वो प्रो वापस अपने पास। हाँ क्लॉक रूम में पैसा वैसा तो नहीं देते ये लोग, देना चाहो दे सकते बट उन्होंने मना किया हुआ है, देखा हुआ है कि कुछ भी नहीं देने का यहाँ पर। ये वाली गाड़ी ले लेते हैं, इसी में बैठ के चले जाएंगे, टोकन लेते हैं पहले। काफ़ी देर से यहीं खड़े थे, कुछ मिल नहीं रहे थे भैया ने कहा आप आगे बैठ जाओ, मैं आगे बैठा दिया। आपका नाम क्या भैया? सर विनय मित्तल। विनय आप यहीं से रहते हैं? रहने वाले आगरा में रहता हूँ। राजस्थान से है तो स्पाइसी राजस्थान से गए। आप एक काम करिए, तो गोल्डन स्ट्रीट चले जाइए या फिर प्रिया या फिर पिंच ऑफ स्पाइस। गोल्फ में आ गए 20 रुपये में ओनली, ये गवर्नमेंट की चलती है आराम से। तो चलते हैं अपन, टाइम हो गया है अभी 2:38 हो रहा है, इसको लगा देते हैं यहाँ से। ये 68 बता रहा है यहाँ से, बट ये भैया कह रहे हैं 45 ही है, तो मतलब जो हमने होटल बुक किया है वो शायद फिर लेट या दूर होगा। आज बस अच्छे से रास्ता दिखा देना गूगल माता, पेट्रोल भी भरवाना है, तभी चलते हैं। बस कल की तरह ये वहाँ फंसा ना दे यार ट्रैफिक के अंदर, बस वही डर लगता है। वैसे मैंने गूगल मैप में लिया तो हाईवे वाला ही रास्ता है, बट मुझे आजकल गूगल पे भरोसा रहा नहीं है। बस ये रहा ताज महल यहाँ से 1 किलोमीटर सामने से, तो हम जस्ट पास में रुके हुए थे। बड़ा टास्क है सिटी के अंदर से गाड़ी चलाना। अब यार ये 2 रास्ते दिखा रहा है यहाँ पर, बस हाईवे पे आने के बाद रिलैक्स मिलता है क्या, अभी कहीं कुछ गाड़ी चला रहे हैं यार ट्रैफिक के अंदर, तो हालतें ख़राब कर दी पूरी। बट पेट्रोल में काफ़ी फ़र्क है यार, जो राजस्थान के अंदर लगभग जोधपुर में 114 रुपये के आसपास है, या 96 रुपीज़ था पर लीटर। हाँ आधे घंटे में ऑलमोस्ट हम पहुंच जाएंगे, आधे से पौन घंटे में। होटल बस है तो यही, और अपने होटल में कौन है? कोई है नहीं सर, बुकिंग था हमारा हो गया। ये क्या हमारा नहीं है, नाम सेम है पर जो आपने बुकिंग कराई है वो पीछे वाली है, तो मैं पीछे वाली में जा रहा हूँ। ऐसे काम चल रहा है इनका, ये वाली है। हाँ आज का वीडियो यही एंड करते हैं, क्योंकि अराउंड 6 बजे के आसपास हम मथुरा पहुँच गए, लग तो यही रहा है। आगे का प्लान था कि हम निधिवन जाएं, बट यहाँ पर बताया कि निधिवन आप जब तक जाएंगे तब तक बंद हो जाएगा, तो फिर हमने प्लान ड्रॉप कर दिया, अब हम कल ही जाएंगे। तो कल का वीडियो ज़रूर देखना, और कल का क्या प्लान है ये अभी हम बैठ के सोचेंगे या कल सुबह ही सोचेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपको कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।